तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होगा। हम लोग कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। सपोज करते हैं वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है या हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और सपोज करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज करो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करे, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वी हो, चार्ज की वेलोसिटी वी हो, चार्ज की वैल्यू हो क्यू, तो हम लोगों ने कहा था कि इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, थीटा V और B के बीच का, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल है। यहां पे वो थीटा 90 डिग्री है बिकॉज फील्ड इज एंटरिंग इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है और वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों के बीच कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो थीटा कितना है 90। तो यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस फोर्स का डायरेक्शन, जो ये फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी यहां एग्जिस्ट कर रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने एक रूल बताया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, हम लोगों ने कहा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताए, मिडिल फिंगर, अगर आपका मिडिल फिंगर क्या बताए वेलोसिटी, तो थंब क्या बताएगा फोर्स। फोर फिंगर बता रहा मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या बता रहा है, मिडिल फिंगर क्या बता रहा है वेलोसिटी, तो थंब बताएगा फोर्स। यहां देखो जरा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मिडिल फिंगर इधर की तरफ वेलोसिटी की तरफ, तो वेलोसिटी उधर हो गई। ये बताओ थंब किधर पॉइंट कर रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब जब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी कि फोर्स किधर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, तो हमारा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो और सर्कुलर मोशन याद करो। क्लास 11th में जो आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा, आपने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी वी टेंजेंशियल होती है और उस बॉडी के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना लगता है, एफ लगता है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन एवर अ बॉडी रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, then there is a centripetal force towards the center and the direction of velocity is towards the direction of tangent. और इस velocity और इस centripetal force के बीच कितने का angle बन रहा है, velocity और centripetal force के बीच 90 degree का angle बन रहा है, velocity और centripetal force एक दूसरे से 90 degree के angle। तो students ये बताओ, यहाँ पे भी velocity force 90 degree पे है और यहाँ भी देखो वेलोसिटी और फोर्स कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री।
और सर्कुलर मोशन की एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे होगा। अब देखो यहां पे है क्या स्टूडेंट, ये नेसेसरी कंडीशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री। अब देखो यहां भी यही चीज हो रहा है, आई रिपीट अगेन, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ है, तो थंब क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन, थंब ऊपर की तरफ है, तो ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना, F is equal to QVB, और ये फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, और जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पे सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन अब एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ स्टार्ट कर देगा फॉलो करना, ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा जहां पे वेलोसिटी उस सर्कल के टेंजेंट पे एक्ट करेगी और फोर्स उसके सेंटर पे एक्ट करेगी। तो यहां पे जो हमारा ये F is equal to QVB है, मैग्नेटिक फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स, ये F is equal to QVB, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, F is equal to QVB उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है mv स्क्वायर बाय दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। यहाँ पे थीटा हम लोगों ने कितना लिया था, 90 डिग्री, थीटा हम लोगों ने 90 माना। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करते हैं, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, कंपेयर करो क्या मिला, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb, इन दोनों को कंपेयर किया, देखो v से v कट गया, कैंसिल आउट कर दिया, यहां से इस सर्कल का रेडियस आएगा, r की वैल्यू पता करो, r इज इक्वल टू मिला mv बाय qb, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ r इज mv बाय qb, यानी कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ को एडॉप्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट किया और रेडियस की वैल्यू आई r इज इक्वल टू mv बाय qb। इस रिजल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, जो रेडियस है जिस रेडियस में वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा वो रेडियस पहला डिपेंड करता है चार्ज के मास के ऊपर, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेडियस डिपेंड कर रहा चार्ज के मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड कि वो किस टाइम पीरियड से घूम रहा है, मतलब टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और टाइम अगर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर है तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा, इन वन रिवोल्यूशन डिस्टेंस चलेगा वो 2πr, एक चक्कर में वो 2πr चलेगा। और अपॉन वेलोसिटी देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन वन रिवोल्यूशन दैट इज 2πr एंड दिस द वेलोसिटी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2πr r इज इक्वल टू mv बाय qb, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी फेमस रिजल्ट, mv बाय qb, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज mv बाय qb, याद रखेंगे v अपॉन में आ गया, एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया, आपका रिजल्ट आया t इज इक्वल टू 2πm बाय qb, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस रिवोल्यूशन। और यहां से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, आपने पढ़ रखा है ना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो यहां से मिला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb अपॉन 2πm, एंड दीज टू रिजल्ट्स आर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने दो चीजें कैलकुलेट किया, पहला रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑर्बिट। स्टूडेंट्स हम लोग बात ये करेंगे कि इस बार भी हम वही टॉपिक फिर से डिस्कस करते हैं, हम लोग उसी चार्ज का मोशन, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। पिछले बार जो चार्ज पार्टिकल था वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर था, लेकिन इस बार हम लोग कोई भी एंगल थीटा ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इस बार वो थीटा एंगल पे। सपोज करते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल इस बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इस बार हम इसके मोशन को डिस्कस करें। तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, तो क्लास 11th में आपने टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल थीटा पर है, अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल थीटा पर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। उस वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट हम लोगों ने रिजॉल्व किए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो जो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v cos थीटा, और इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी v sin थीटा। तो उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों को वन बाय वन हम लोग समझते हैं। देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये पिछला वाला केस हो गया कि अगर हमारा जो चार्ज वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, और हम लोगों ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी 90 डिग्री पे था तो चार्ज सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, चार्ज सर्कुलर पाथ में घूम रहा था और किस रेडियस से, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। वहां पे केवल v था, पिछले वाले केस में आपने केवल v लिया था, वो b के साथ परपेंडिकुलर था। इस बार जो b के साथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर है वो केवल v नहीं है, दैट इज v sin थीटा। तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वजह से जो चार्ज है वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा v cos थीटा वो उसको अपनी तरफ लेना चाहेगा। मैंने कहा इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को सर्कल में रोटेट कराएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो उस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ लेके जाएगा। और आप इमेजिन करो अगर एक कोई बॉडी सर्कल में घूमते हुए आगे बढ़े तो वो एक हेलिकल पाथ बनाएगा। हेलिकल पाथ का मतलब जैसे आपके कॉपी का जो स्पाइरल होता है कुछ इस तरह के पाथ में वो घूमना शुरू करेगा, कुछ ऐसा ये हेलिकल पाथ में घूमना शुरू कर देगा। तो अगर हमारा जो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट्स v cos थीटा और v sin थीटा है, v sin थीटा उसको सर्कल में घुमाएगा और v cos थीटा अपनी तरफ मूव कराएगा, और ये ऐसे करते करते हेलिकल पाथ को कंप्लीट करेगा। इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला है r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, इसमें v के जगह पे हम लोग v sin थीटा प्लेस कर दिए। बात आई टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये वही रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो टाइम पीरियड है उसमें वेलोसिटी नहीं आ रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वो हेलिकल पाथ में घूमे चाहे नॉर्मल केवल सर्कुलर पाथ में घूमे, इन बोथ केसेस टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। एक चीज हमारा इसमें बचता है वो है हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे पिच। पिच क्या होता है, जैसे आप स्क्रू गॉज में पढ़ते थे कि पिच होता है दो थ्रेड्स के बीच की दूरी, जब हम लोग ऐसे स्क्रू गॉज के चूड़ियों को घुमाते थे तो हम लोग बोलते थे कि दो थ्रेड्स के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। यहाँ पे ये जो दो थ्रेड्स बन रहे हैं इसके बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे पिच बोलेंगे। पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिच पी इज इक्वल टू, ये बताओ वो एक चक्कर लगाने में जो टाइम ले रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल उतने ही देर में ये दूरी ही कवर कर ले रहा है, ऐसे घूमते घूमते जो कि आगे जा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में जो उसका टाइम उतने वो एक पिच भी कवर कर रहा है। तो पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस थीटा।
डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वी कॉस थीटा, और एक चक्कर में जो टाइम लग रहा है वो हो गया आपका 2πm/ub। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक बताता है कि अगर कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो उसका मोशन कैसे होगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट वेलोसिटी 90 डिग्री पे हो तो हमारा चार्ज पार्टिकल केवल और केवल सर्कुलर मोशन करेगा, तब हेलिकल नहीं करेगा। लेकिन थीटा एंगल पे होने की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जा रहा है वो उसको अपनी तरफ लेके मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो हम लोग इसको अभी डिस्कस करते हैं। इसी पे बेस्ड हमारा साइक्लोट्रॉन भी होगा, ठीक है। और हम लोग अब इसी का एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का एक एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो हम लोग का अभी टॉपिक, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन। हम लोग साइक्लोट्रॉन की बात, देखो स्टूडेंट्स पहले हमको किसी भी डिवाइस का, किसी भी मशीन का तीन चीज पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं प्रिंसिपल उसका, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का क्या है मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू असेलरेट द चार्जेस। स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे प्लेसेस पे असेलरेटेड चार्जेस की रिक्वायरमेंट होगी, हमको जरूरत होगी कि हम हाई स्पीड के चार्जेस को कहीं बम्बार्ड करें। तो जब भी आपको हाई स्पीड के चार्जेस की जरूरत होगी तो उनको असेलरेट करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग साइक्लोट्रॉन के हेल्प से चार्जेस को हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी तक असेलरेट कर सकते हैं। तो लो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू असेलरेट द चार्जेस टू द हाई वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन की बात पहले कर लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ध्यान से सुनो, मैं बनाता हूं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में दो सेमी सर्कुलर डिस्क होंगे डी शेप का, जैसे एक डी शेप का सेमी सर्कुलर डिस्क है मेटेलिक जो अंदर से हॉलो है। मेरे पास डी शेप का, देखो डी शेप का जैसे है क्या कि मान लो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, मान लो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, अगर इसको बीच से काट दो और इसकी अपनी कुछ थिकनेस हो तो ये दो डी शेप के डिस्क में टूट जाएगा। तो हमारे पास दो डी शेप के डिस्क होते हैं, एक ये हो गया और एक और बनाता हूं। तो हमारे पास दो डी शेप के डिस्क होंगे आमने सामने ऐसे रखें। ये जो दो डी शेप के डिस्क हैं हमारे, इनका नाम है डीज, इनको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डीज, डी डब्ल्यू एस, क्योंकि डी शेप के हैं तो डी का प्लूरल फॉर्म डीज बोलते हैं। इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप और बॉटम से, इसके ऊपर और नीचे से हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए दो मैग्नेट्स लगाएंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सपोज करो ऐसे हमारा डीज ऐसे रखा हुआ है, ऐसे डीज हमारा रखा है, तो ऊपर से और नीचे से यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये डीज रखी गई है और ऊपर नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया बी, और इस दोनों डीज को हम लोग एक ऑसिलेटर से कनेक्ट करेंगे। इन दोनों डीज को, इन दोनों मेटेलिक डिस्क को हम लोग एक ऑसिलेटर से कनेक्ट करेंगे। ऑसिलेटर एक डिवाइस है जो
जो एक तरह से आप कह सकते हो अल्टरनेटिंग करंट की तरह बिहेव करेगा। ऑसिलेटर वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, ऑसिलेशन से रिलेटेड। ये ऑसिलेटर क्या करेगा कि अपने हर हाफ साइकिल के बाद इस डीफ की पोलैरिटी को अल्टरनेटली चेंज करता रहेगा। मान लो फर्स्ट हाफ साइकिल में ऑसिलेटर ने इस डी को प्लस पे रखा है और इस डी को माइनस पे रखा है, तो अगले हाफ साइकिल में ऑसिलेटर क्या करेगा, इस डी को माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ऑसिलेटर का काम है डी की पोलैरिटी को चेंज करना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये हमारा एक तो ऑसिलेटर लग गया, यहां पर एक हमारा विंडो होगा जिससे हम लोग चार्ज को एंटर कराएंगे, और यहां पर मान लो एक विंडो होगा जहां से हम इस चार्ज को अपने टारगेट के ऊपर हिट कराएंगे। यहां से हम चार्जेस को टारगेट के ऊपर हिट कराएंगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या है, दो डीज हैं, मेटेलिक सेमी सर्कुलर डिस्क हैं। ये जो मेटेलिक सेमी सर्कुलर डिस्क हैं, ये सर्कुलर डिस्क मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे गए हैं। इसमें दोनों एंड्स पे इस डी के ऑसिलेटर लगाया गया है, ऑसिलेटर कॉन्टिन्यूअसली इसकी पोलैरिटी को बदलता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये चार्ज को कैसे असेलरेट करेगा, इसमें चार्जेस का असेलरेशन कैसे हो। तो चार्ज को सपोज करो हम इसमें एक अल्फा पार्टिकल को असेलरेट कराना चाहते हैं। रिपीट अगेन, मैंने कहा सपोज करो हम इसमें एक अल्फा पार्टिकल को असेलरेट कराना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डीज में एक अल्फा पार्टिकल रख दिया, प्लस अल्फा पार्टिकल मैंने रख दिया। ठीक, इस अल्फा पार्टिकल को जब रखोगे तो हम लोगों ने बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी हम लोगों ने लिखा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो कैसे पाथ में घूमेगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। यहाँ पे होता क्या है कि सपोज करो हमारा ऑसिलेटर क्या कर रहा है कि मैंने यहाँ पे चार्ज को रखा, सपोज करो मैंने चार्ज को यहाँ रख दिया, अभी यहीं पे सेंटर में मान लो मैंने रखा चार्ज को। जब चार्ज को सेंटर में रखोगे, मान लो इस ऑसिलेटर ने इस डी को पॉजिटिव कर रखा है और इस डी को नेगेटिव कर रखा है। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि मान लो इस ऑसिलेटर ने इस डी को पॉजिटिव किया है और इस डी को नेगेटिव किया, तो होगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और वो नेगेटिव क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये हमारा चार्ज पार्टिकल इधर अंदर की तरफ एंटर करेगा v वेलोसिटी से, और जैसे ही वो v वेलोसिटी से एंटर करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। जैसे ही ये आधा सर्कल घूम के यहां आएगा, जैसे मान लो ये आधा सर्कल घूम के यहां पहुंचा, हाफ सर्कल घूमते ही ये ऑसिलेटर पोलैरिटी को बदल देगा। क्या कर देगा ऑसिलेटर, अभी नीचे वाला प्लस था तो ऊपर वाले को प्लस कर देगा और नीचे वाले को माइनस कर देगा। क्योंकि चार्ज पार्टिकल अब इस डी से इस डी में आ चुका है, अब चार्ज पार्टिकल को जैसे ही अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, ऊपर वाला डी जैसे ही पॉजिटिव होगा तो अब ये डी क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर देगा दूसरे डी में। यानी कि इस ऑसिलेटर का काम है डी की पोलैरिटी को लगातार चेंज करना ताकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो असेलरेट होता रहे, और हमारा चार्ज पार्टिकल असेलरेट होता रहेगा और सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। हमारा चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम कितना घूम सकता है, तो इस डी के रेडियस के बराबर, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस होगा दैट विल बी आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, जो कि तुम ड्राइव कर चुके हो। यहां से तुम वेलोसिटी पता कर सकते हो कि हम कितनी वेलोसिटी का चार्ज निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, क्यू बी आर बाई एम। चार्ज की वैल्यू हमको पता है, हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमको इस डी का रेडियस भी पता है और चार्ज का मास सब रख दो, चार्ज की वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक डिस्कशन था साइक्लोट्रॉन का, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।